लोगों को मेरा प्यार भर प्रणाम। स्वागत करती हूँ आरती यादव आप सभी का देव उत्तराखंड में और अपनी मध्मेश्वर घाटी में। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मैं भी स्वस्थ हूँ। तो चलो आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं, एक और नए दिन की शुरुआत करते हैं। आज है फुलदेही का आठवां दिन, तो अंतिम दिन है इसलिए यहाँ पे घुघा माता जी आ गए हैं पंचायत में, पंचायत चौक में, और यहाँ पर अभी आरती होगी घुघा माता की। तो हर दिन की तरह फुलदेही से ही ब्लॉग की स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं फुलदेही के त्योहार से ही आज भी। तो दिखाती हूँ मैं अभी आपको घुघा माता। तो फ्रेंड्स आज इनका है आठवां दिन और ये सारे स्कूल चले गए हैं, इनका पेपर है, ये स्कूल भाग रहे हैं। अभी यहाँ पर आरती की तैयारी शुरू हो चुकी है, भोग वगैरह सब कुछ आ गया है। ये है हमारी गांव की पंचायत चौक, यहाँ पर अब दुर्गा माता जी की आरती हो रही है। प्रसाद बांटना स्टार्ट कर दिया है, अब सबको प्रसाद बांट रही है। तो फ्रेंड्स हो गए आज घोगा माता का समापन दिन, घोगा भी नचा दिया है। आज इसके बाद अब बनाएंगे, क्या बनाएंगे, अठोड़ू बनाएंगे, खाना बनाएंगे जाके। तो आज इतना ही होगा, आठ दिन का ही होता है फुलदेही का त्योहार। अभी घोगा नचा दिया है, घोगा को उसकी जगह पर रख लिया है जहाँ पर घोगा माता जी रहेंगे, और इसके बाद सभी गाएंगे। पूरे गांव वाले जितने भी होते हैं जाते हैं सारी जगह, कोई खेत में जाता है तो कोई कहीं भी जाता है, जंगलों में जाता है, और बहुत से पकवान बनाते हैं। तो हम भी जाएंगे, हम भी कुछ बनाएंगे, तो आगे दिखाऊंगी आप सभी को। तो ये है सृष्टि, इनसे पूछते हैं, ये भी फुलारी है, इनसे पूछते हैं इन्हें कैसा फील हो रहा है आज, मतलब आठवां दिन है, समापन हो गया, तो कैसा फील हो रहा है सृष्टि? आज मैं थोड़ा फील मतलब हो रहा है, उदासी है घोगा खत्म हुआ है, पर अगले साल घोगा आएगा, हमारी दिनचर्या भी अब बदल गई, जैसे हम 5 बजे उठते थे तो अब अपने टाइम भी स्कूल जाएंगे,
और अगले साल का मैं जा रहेगा। इन्हें बहुत ही खुशी होती थी कि आज सुबह उठना है और जाना है, बहुत ही खुशी होती है बच्चों को। जब मैं भी फुलारी थी मुझे भी बहुत खुशी होती थी, हमारी दिनचर्या भी कुछ ऐसी थी, जल्दी जल्दी उठना था, बहुत इंतजार रहता है इस पर्व का। तो आज इसका आखिरी दिन समापन है, आज आठवा दिन पूरा हो चुका है। तो ये है दही पुरोठी, ये बनाए गए हमारे गांव में किसी भैया लोगों ने बनाए हैं, तो आप देख सकते हो इन्हें ये कलाकारी के साथ। निर्णय हो गया है क्या बना रहे हैं? कढ़ी चावल। कढ़ी चावल बना रहे हैं। तो सुबह दीदी आप बोलिए आपको कढ़ी पकौड़ी पसंद है या नहीं है? तो चलते हैं कढ़ी पकौड़ी बनाने, छोटी छोटी कढ़ी। तो फ्रेंड्स अभी जा रहे हैं हम शिल्पी के यहाँ पे सामान लेने, तो अभी चलते हैं। फ्रेंड्स अभी आ गए हम शिल्पी के घर पर और सामान लेते हैं शिल्पी के घर से, दिखाती हूँ शिल्पी को। पहुँच गए शिल्पी के किचन में और शिल्पी सामान ले लिया। क्या क्या सामान ले जाएगी शिल्पी? तो हम निकल गए शिल्पी के घर से भी, शिल्पी ने ले लिया सामान, जो भी जरूरत का सामान है, थाली, प्याज, टमाटर, नमक, मिर्च और क्या लेते हैं, चावल। अब हम चलते हैं हमारे यहाँ पे, मैं भी सामान लेती हूँ, फिर हम जाएंगे खेत में। तो फ्रेंड्स एक टीम ये भी है, ये भी सामान ले जा रहे हैं। क्या क्या ले जा रहे हो बताना? मसाले। तो इनकी टीम भी अलग है, कहाँ पर जा रहे बनाने? बना क्या रहे हो ये बताना? बना रहे हैं हम, बस बना रहे हैं लाव वगैरह बना रहे हैं। ये जाएंगे यहाँ से ऊपर जो खेत दिख रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, ये तीन ही है बस, ये तीन ही बनाएंगे अपने लिए। बाय बाय। पकौड़ी बनना स्टार्ट हो चुकी है, तेल यहाँ पे गरम हो गया है और मसाला बन गया। नीचे से इसु चिल्ला रहा है, यहाँ से आगे का व्यू बहुत ही मस्त आ रहा है, देख सकते हो आप, बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है। और यहाँ पे पकौड़ी बनने की तैयारी स्टार्ट हो गई है, तो पकौड़ियाँ बनना स्टार्ट हो गई है। तो मैं ऐसे निकालूंगी, मैं पकौड़ी निकालूंगी और इसके साथ बीच बीच में रेस्ट करूंगी, धूप हो रही है, हाँ बीच में एनर्जी चाहिए, इसलिए रखा हुआ है साथ में एक पकौड़ी। यहाँ पर सब जितने भी, ये भी, ये दीदी मेरी सब्सक्राइबर है, ये भी मेरी दीदी सब्सक्राइबर है, ये भी सब्सक्राइबर है, ये भी सब्सक्राइबर है, और ये तो है ही, और उधर एक और है, वो भी उधर लेट कर, वो भी मेरा सब्सक्राइबर है, वो भी अभी लेट के मजे ले रहा है, वीडियो के आनंद ले रहा है, पर अच्छा है, नहीं तो यहाँ पे मैं परेशान कर रहा है। यहाँ इसी बात पे एक पकौड़ी हो जाए, पहले उधर एक पकौड़ी चढ़ाते हैं, एक पकौड़ी चढ़ाते हैं, पहले एक पकौड़ी चढ़ा ली है, तो लीजिए। अरे गर्मी नहीं, एक एक सब लेना, एक में से दो मत लेना, रोक ली चूल्हा में, रोक ली, लीजिए सबसे पहले आपकी।
सबसे बड़ा और सबसे छोटा ना, सबसे छोटू जी रिसु चलियो बड़ो का मालूम हम तो सोनो तवे ओ का है कि जी रात है कि सोन। तो इनका कहना है कि जब कोई भी सामान खत्म होगा तो सबसे पहले सबसे छोटा जाएगा, तो सबसे छोटा यहाँ पे रिसु, तो सबसे बड़ा जाएगा वो है सुशीला दीदी, शिल्पी जाएगी। वैसे तो इनके कहने का मतलब मुझसे और शिल्पी से है कि ये दोनों जाएंगे। तो सुशीला दीदी क्या क्या पड़ा अभी तक कढ़ाई में? कढ़ाई में अभी तक तेल, प्याज, बेसन, टमाटर, अभी उसका घोल बनाया है और अब बेसन का घोल बनाया, अब पड़ेगा उसमें बेसन का घोल। देखो अब बहुत बढ़िया तो बेसन का घोल पड़ चुका है उसमें, तो बन गया है घोल। ओके 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 ओके। तो अभी यहाँ पे कढ़ी बन रही है, बन रही है, सॉरी यहाँ पे अभी कढ़ी बन रही है और चावल तो रेडी हो चुके हैं और कढ़ी भी बन जाएगी। अभी जाएंगे हम नीचे, कर्च भी लाया। हाँ क्या क्या लाना है बोलिए, क्या लाना है बोलिए, लेके आना खाना खाने निकालने के लिए कर्ची लेके आना, दूध लेके आना, चीनी, चाय पत्ती और इन लोगों के लिए गिलास डिस्पोजल लेके आना। चाय पत्ती डिस्पोजल यहाँ लाए हुए थे पहले से, डिस्पोजल डिस्पोजल चाय पत्ती, दूध। कैमरा बंद होते ही दीदी का मुंह बहुत ज्यादा चल रहा है और कैमरा तो अभी चलते हम चाय। तो फ्रेंड्स अभी आए थे हम चाय पत्ती को सामान लेने के लिए, वहाँ हम पूरा सामान नहीं लेंगे, तो घर आए थे कुछ सामान लेने के लिए। उससे पहले यहाँ मंदिर में भी एक टीम आई है चोला बनाने की, तो दिखाती हूँ आपको वो टीम भी, तभी चलते हैं हम। तो एक टीम यहाँ भी है, ये देख सकते हो, तो एक टीम ये भी है नवीन की। क्या बन रहा है नवीन? इनके यहाँ प्याज टमाटर कटिंग हो रहा है, तो इनका बन रहा है यहाँ चिकन, प्याज टमाटर कटिंग हो चुके हैं और चावल। तो फ्रेंड्स आगे हम वहाँ से अब हम चलते हैं घर, सामान ले जाते हैं। ऊपर से हमें फोन भी आ गया है दीदी लोगों का कि जल्दी आओ सामान लेके, तो अभी हम घर जाते हैं और सामान लेके आते हैं। तो फ्रेंड्स खाना बन चुका है, ये रही कड़ी, कड़ी पकौड़ी के लिए चावल, तो बन गया। खाने की तैयारी शुरू करते हैं, ये रही सबकी थालियाँ। और रिसु भी उठ गया है, सो के, ये सो गया था, उठ गया है रिसु, खाना बन गया, तो बन गया खाना। अब हम खाने की तैयारी करते हैं, ये प्लेटें लगा दी हैं, तो आप सब भी आइए खाइए। ये रही सेल्फी, तो करते हैं खाने की तैयारी शुरू। खाना बहुत ही अच्छा बनाया था, किसने बनाया खाना? यहाँ से नीचे बैठे हुए ये खाना सबने मिलकर बनाया है, बहुत ही अच्छा बना हुआ था, कढ़ी और चावल बनाए हुए थे। अब तो फ्रेंड्स अभी हमें बहुत ज्यादा धूप हो रही है, हम बैठे हुए छाया में, तो अभी हम बैठे हुए छाया में, दीदी लोग नीचे पकौड़ी बनाने की तैयारी कर रहे हैं, पकौड़ियाँ बनने अब स्टार्ट हो गई है। और यहाँ पे हो रहा है तेल गरम, बना रही है सुशीला दीदी और रश्मि दीदी, तो आप देख सकते हैं ये हमारे पकौड़ियाँ मिक्स हो चुकी है। और यहाँ पे चाय बनाने की तैयारी हो रही है, प्रेशर तेरे भाई को किसने मारा? मेरा भाई को। हमारी पहली घाण तैयार रहेगी। तो यहाँ पर कढ़ाई में पकौड़ियाँ पड़ चुकी हैं और इसे बोलते हैं पहली घाट। तो ये तैयार हो चुकी है, अबूत बूत।
भूत। रिसु खाना पचा रहा है अपना और रिसु की मम्मी रिसु पकौड़िया चाय में डुबा के खा रहा है। कैसी हो रही है रिसु पकौड़ी, कैसी हो रही है? तो पकौड़िया सुशीला दीदी ने और मम्मी ने दीदी ने बनाई है और चाय भी, चाय इन्होंने कुकर पे बनाई है। इनके पास चाय बनाने के लिए वही साधन था। और ये रही हमारी पकौड़ी पकौड़िया और रिसु को देख सकते हो चाय और पकौड़ियों का आनंद लेते हुए। तो फ्रेंड्स अभी हमने सब कुछ खाना मतलब पकौड़िया वगैरह बना लिया है और अब जा रहे हैं हम बर्तन धोने, अब जा रहे हैं हम बर्तन धोने। तो फ्रेंड्स आगे हम पानी की जगह पर जहाँ पे हमें बर्तन धोने हैं, तो संध्या दीदी जी यहाँ पे लगी हुई है, धोते हैं। अभी हम लाते हैं विम बार। तो हमारा कार्यक्रम हो गया समाप्त, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का व्लॉग जिसमें आज हमने बहुत मस्ती की, बहुत ही इंजॉय किया। जिस प्रकार से हमारी टीम बनी थी उसी प्रकार पूरे गांव वालों की अलग अलग टीम बनी हुई थी। और जैसे कि हमने कढ़ी चावल बनाए तो हर टीम ने कुछ अलग अलग डिश बनाई, बहुत ही मजा आया आज हमें, बहुत इंजॉय किया आज के दिन को हमने। तो आज था फुलदेही का 8वां दिन, समापन दिन। फुलदेही का त्यौहार सिर्फ 8 दिन का होता है, तो 8वें दिन में पूरा गांव घर से बाहर निकलकर खेतों में, कोई कहीं भी जा सकता है, कोई नदी के किनारे जाता है तो कोई खेतों में जाता है, घर से बाहर खाना बनाया जाता है। और यह खाना बहुत स्वादिष्ट होता है क्योंकि घर में हम हमेशा यही खाना बनाते हैं, पर खेतों में जो खाना बनता है उसका मजा ही अलग होता है, उसका टेस्ट ही अलग होता है, वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज के दिन को हमने बहुत इंजॉय किया, बहुत मस्ती की, हर किसी ने मस्ती की, पूरे गाँव ने मस्ती की। तो ये थी हमारी संस्कृति और यही त्यौहार अब दूसरे साल चैत माह में फिर आएगा जिसका बच्चे फिर बहुत बेसब्री से इंतजार करेंगे। तो ये थी हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। मिलूंगी जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने घर में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। आवाज जर फिर से बोल, आवाज नहीं आई तेरी। बाय 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 संध्या दीदी, बाय। बोल चोरू। तो चाय हो गई है तैयार, पी रहा है चाय।